खाना वाला आ गया। तो आज हम एक तूफानी हरकत करने वाले हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं ठीक हूँ और होप करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ पटियाला के साथ। हाँ, तो सीन कुछ ऐसा है कि पटियाला की गर्लफ्रेंड एक्चुअली उसको छोड़ के भाग गई, तो वो बेचारा बहुत सैड है, अपनी दुख भरी दास्तां यहाँ पे बैठ के सुना रहा है। रो भी रहा था अभी थोड़ा टाइम पहले, बस बड़ी मुश्किल से मैंने चुप कराया है। अब माहौल थोड़ा कंट्रोल में है। बाकी तुम पटियाला को मैसेज करके पूछो कि भाई क्या हो गया, किससे ब्रेकअप हो गया, कैसे हो गया, बता ही नहीं रहा। देखो अभी भी रो रहा है चुपचाप। आंधी आ रही है, बारिश नहीं हो रही। नहीं, बारिश नहीं हो रही, आंधी आ रही है, धूल हो रही है, धूल बहुत ज्यादा। हाँ, धूल हो रही, मतलब मैंने आपकी आंखों में देखा। हाँ, अच्छा, इसे आप इतने खूबसूरत हम क्या कर सकते हैं। ओह माय गॉड। तो वो देखो वहाँ पे, मैं बहुत आलसी हूँ इसलिए मैं ये खोल नहीं रही हूँ। पूरा दरवाजा खोलने में बहुत टाइम लगेगा इसलिए मैं इससे मैं दिखा रही हूँ। देखो पूरी धुंध धुंध हो रही है अच्छी खासा। क्या टाइम हो रहा है, टाइम बताना। टाइम हो रहा है 2:54। 2:45 हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, और बाहर अभी तक धुंध हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बस बारिश आ ही जाएगी। इतना टाइम हो गया पर अभी तक हमने शूट स्टार्ट नहीं करा। हमने सुबह से हम लोग रेडी हैं कि हम स्टार्ट करेंगे करेंगे, बट वीडियो का चक्कर पड़ रहा है, इस वजह से हम शूट स्टार्ट नहीं कर पाए अभी तक। तो फाइनली अब हमारा शूट स्टार्ट हो रहा है और अभी भी सब हम लिफ्ट में हैं, तो अभी हमारा माइंड कभी भी बदल सकता है। ओ हो हो हो, देखो लिफ्ट मुझे बंद करके ही जा रही थी, हंस रहे हैं मेरे पे। देखो मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतने अच्छे मौसम में आज हम करेंगे शूट। अभी बज रहे हैं 3:30 या 4 बज रहे होंगे और अब हम करेंगे अपना शूट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सीन। ये देख लो सिंपल, पता नहीं क्या यार ये दिक्कत है ना, इतनी है मेरे साथ आज ना, मुझे पूरी डोरा द एक्सप्लोरर वाली फील आ रही है। देख रहे हो बैकपैक मेरे साथ, बैक 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 पैक वाली फीलिंग आ रही है आज मुझे। ऑल सेट, म्यूजिक चलाओ। मैं शर्मा जी का बेटा हूँ। हाँ सर, फिर इधर उधर देख नहीं आ रही कि वही लड़की है जिसने शराब पिया भी। मैं शराब दी मुझको बोतल ना दो, खत्म गया पापा टाटा। हाय। हाँ, तो क्या हालत है, व्हाट इज द सिचुएशन? वेरी लो। इतनी लो सिचुएशन इसलिए है क्योंकि अब 4:30 बज गए हैं और सुबह से किसी ने भी कुछ नहीं खाया। इन लोगों ने चाय पी है सिर्फ, मैंने 2-3 ब्रेड खाए, इन लोगों ने भी ब्रेड खाए हैं। नहीं खाई, तुम्हारी गलती है तो ठीक है। और सूखे ब्रेड खाए हैं और हम बस शूट कर रहे हैं। एटलीस्ट हमने शूट ले स्टार्ट करा कि हम खा सकते थे पर हमने नहीं खाया। मैं भी बिल्कुल रोड के किनारे खड़ी हुई, तुम्हें सिर्फ छपरी निभा उससे मिलवाने। लुक और दे रहा है। लुक ये प्रॉपर ऐसे देके गया है जैसे मैंने इसको बोला हो कि भाई जल्दी से आई हो वहां से, मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी। उसको पता है कि मैं उसकी तरफ कैमरा लेके खड़ी थी, फिर भी वो पूरे प्रॉपर लुक में गया। एक इंसिडेंट था, मैं साइकिल चला रहा, आगे नाला खुला था, इस तरफ लड़की थी, मैं ऐसे देख के ऐसे कर रहा, गिर गया फिर। हाय गाइस, व्लॉग टू व्लॉग, व्लॉग टू व्लॉग। चले तेरे को और कोई पानी ले, पतंजलि का ही लाया आखिर ना। पता क्या होता है, सुनो, जब दो बार हाथ मिल जाती ना तो सिक्का अदली बदली करते हैं। इसी बात पे हाथ मिलाओ। तो अब सनश्री मैम के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप सोनू राय के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीने दो भाई पानी। अरे इतनी देर में तो मैं पूरी बोतल घटक जाऊं। आराम से भाई, दो बोतल मुझे, दो बोतल पिलाने साथ के बाकी मेरे को। वो बातें सीरियस ले जाता है तेरी। कैसा लग रहा है भाई? मजा आ रहा है, मैं कहता हूँ सच में
बहुत अच्छा शूट चल रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है भैया, धूल उठ रही है, हम गोरे भरे, पाउडर लग रहा है, ऊपर वाले की देन है ये पाउडर। व्लॉग का तो पता नहीं है पर कुत्ते की शक्ल जरूर होगी है, आधा किलो मिट्टी लग गई है। ब्लेंडर है हां वहीं चला है, खाना वाला आ गया, वो आ गया, मौज कर दी। इतनी भूख लग रही है इसको, चटनी पी जाएगा अभी तो। सारी पीऊंगा, बॉडी बनाऊंगा बॉडी। पूरे बैंक हैप्पी बर्थडे। बंदे वाला नहीं नहीं नहीं, अरे कोई किसी को नहीं बोलेगा, मेरी चटनी गिराने की बहुत पुरानी आदत है। बन गया ब्लॉग, इसने बन गया ब्लॉग, भैया ब्लॉग बन गया, ये मेरी चटनी गिराने की बहुत पुरानी आदत है। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी इनके शूट में तब भी मैंने चटनी गिराई थी, आज देखो आज फिर से चटनी गिरा दी। ए यार हवा से गिरी है इस बार, मेरी गलती नहीं थी। हाय गाइस, हर समय ये नहीं शांति से खा लूं। हाय गाइस, हाय गाइस, गाइस की जगह ही हो गया, ये मैं हूं और ये चटनी गिरी थी। ट्रांजैक्शन चेंज, लोगों ने मेरे व्लॉग हाईजैक कर रखा है। जा उड़ मां मक्खी। इतना प्यारा सनसेट हो रहा है मेरे पीछे, इसके बाद अब मेरा मूड बहुत ही अच्छा, लाइक लाइट लाइट सा अच्छी वाइब्स आ रही है लाइफ में। इन चीज़ों से ही रौनक आती है एंड आई एम ब्लेस्ड विद ऑल दीज थिंग्स। यहाँ हो रहा है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर थर्ड एपिसोड का, आज ही खत्म कर देते हैं। तो दूसरे एपिसोड में आपने देखा कि राम और तान्या की दोस्ती हो जाती है, लेकिन पायल को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आती। फिर एक दिन पंकी के पूछने पर पायल उसे बताती है कि वो भी राम को पसंद करती है, और जैसे ही वो अपना प्यार का इजहार करने के लिए राम के पास जा रही होती है तो लुकमान भाई के कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। राम सही टाइम पर आकर वहाँ पायल की जान बचाता है, और जैसे ही वो दोनों एक होने वाले होते हैं इतने में ही वहाँ लुकमान भाई पहुँच जाते हैं। देखो मुझे पता है तुम किसी से प्यार करते हो। प्रिटी व्यू, मैक्रोनी गरम हो रही है, खाना आ रहा है वैसे। कैसे, क्या खिड़की से बाहर नीचे कूद रहे हैं? रोम रोम, कैसे? कुछ नहीं, बस सोच रहा था रेस मैन ने बात तो की है, मेरे 1200 रुपए खा गई। मेरे 1200 रुपए खा गए, अब कूद के जान दे दूं। अरे रेशमा के चक्कर में पड़ोगे तो ऐसे ही होगा ना। तो आज हम एक तूफानी हरकत करने वाले हैं, आज हम स्कूल में जाएंगे, इस स्कूल में, और किसी की परमिशन नहीं है, किसी को नहीं पता कि हम क्या करने वाले हैं, बट हम चोरी छुपे स्कूल में घुसने वाले हैं, और स्कूल में घुस के हम अपना शूट करके भी वापस आएंगे। सो स्कूल में चोरी छुपे घुस रहे हैं। कभी तुम लोगों ने ऐसा एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, रात के 11:30 बजे हम लोग सारे बैठ के मन लगा के एग्ज़ाम दे रहे हैं। टॉपर्स, जैसे स्कूल में चोरी छुपे आए थे वैसे अब चोरी छुपे निकल भी रहे हैं। सिर्फ इसी, सिर्फ यहीं पे लाइट है, आगे तुम्हें लाइट नहीं मिलेगी। देख लो कैसे निकल रहे हैं सारे चोरी छुपे, चोरों की तरह। अरे यहाँ के कुत्ते भी ना इतने नाकाम है ना, वैसे सिर्फ भौंक रहा था, भौंकने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:30, हम लोग अभी अपना सीन वो स्कूल वाला कंप्लीट करके आए हैं, और अब हम जाएंगे ऊपर फ्लैट पे, फिर हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और अपना सीन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम आज आज में इसको ख़त्म कर देंगे। देखो कैसी मरीज सी शक्ल हो गई है इस बेचारे की। तो अभी रात के 1:30 बज रहा है और हमारा शूट अभी तक चल रहा है, पर पता है क्या सबसे बेस्ट पार्ट क्या है यहाँ पे शूट करने का, वो है ये प्यारी सी हवा और ये अच्छा सा व्यू। देख रहे हो मैं जीन्स में ही सो गई थी। चलो अभी तुम्हें व्यू दिखाया जाए यहाँ से सुबह सुबह का। देख रहे हो मतलब धूप आधी निकल चुकी है अच्छे वाली। अभी जैसे मैं सुबह उठी हूँ, मेरे को नारियल पानी पीने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं जिस दुकान पर जाऊंगी नारियल पानी लेकर आऊंगी।
और गाइस इग्नोर करना मेरे फेस को, सच में मतलब मैंने फेस वॉश तक नहीं करा है, मैं जस्ट ऐसे आ गई उठ के। और तुम लोग अगर एक कॉमेडी चीज़ देखोगे जो मैंने अभी करी है, चलो दिखाई देती है, देख लो स्लिपर्स, देख लो कितनी बढ़िया है मेरे पे, क्योंकि स्लिपर्स मेरी है ही नहीं, ये स्लिपर मैंने मनीष की लेकर आ रखी हूँ मैं पहनने के लिए, क्योंकि मैं स्लिपर्स नहीं लेकर आई। अभी लोग मुझे देख रहे हैं और बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ और वो सोच रहे हैं कि भाई क्या ये है, उनका हाथ में कैमरा लेके घूम रहे हैं और उससे बातें करे जा रही है। डजेंट मैटर, कैसे ना कैसे लोग देखेंगे, कुछ ना कुछ लोग कहेंगे। ये रहा मेरा नारियल पानी और फिर मेरा थोड़ा चॉकलेट्स खाने का मन कर गया, तो मैंने किटकैट मंच वंच सब ले लिया। हाँ, और आप मेरे ब्लॉग में भी हो। दीदी हमने वर्ल्ड फेमस कर रखी है ब्लॉग, हर सारे ब्लॉग में सब जानते हैं दीदी को सोसाइटी के। आवाज मारने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम 12th फ्लोर पे देख रहे हो। अरे यार है धामा ऊपर, इसको पता भी नहीं कि अभी मेरे ब्लॉग में ये बस देखेगा अपने आपको ब्लॉग में। वैसे तो मन नहीं करा बट अब टाइम आ गया यहाँ से विदा लेने का और इस ब्लॉग को एंड करने का। तो अगर तुम्हें ब्लॉग पसंद आया हो तो जल्दी से तुम्हें पता है क्या करना है, कमेंट करके बताना कि तुम्हें बेस्ट पार्ट कौन सा लगा इस ब्लॉग का और अपने हालचाल बताओ यार मुझे कमेंट सेक्शन में, हम वहाँ पे बातें करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को फैला दो यार, इस वीडियो को भी फैला दो। बाय, टेक केयर।